खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को विस्तार और गहराई से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। This is BBC World. हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने अभी की ताजा खबर लेके आया हूँ कि छोटू सिंह रावणा जिन्हें जमानत मिल गई है और जल्द ही लौट कर आ रहे हैं भजनों की स्वर मंडली में। और दूसरी तरफ से खबर यह भी आ रही है कि क्षत्रिय समाज में रोब व्याप्त भी हुआ है, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा खुलासा भी हो चुका है। तो चलते हैं उस खुलासे की ओर। पुलिस थाने में मामला सही होने पर भी उन्हें जमानत मिल गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रातानाड़ा पुलिस थाने के अंदर पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था, जिसके अनुसार 164 के बयान करवाए गए थे और वो एकदम सही पाए गए थे। और बाद में छोटू सिंह रावणा को भी गिरफ्तार कर लिया था और छोटू सिंह ने उस मामले को स्वीकार भी कर लिया था और उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया था। उन पे लगी धारा, आपको बता दें कि धारा 449-376 2N के तहत पॉक्सो प्रमाणित पाया गया था, लेकिन फिर भी छोटू सिंह रावणा को जमानत कैसे मिल गई। जब ऐसे मामले होते हैं तो उनके अंदर पूर्ण रूप में जांच होती है तथा उन्हें जमानत भी नहीं दी जाती, लेकिन इस मामले में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। जोधपुर पुलिस स्टेशन के अंदर कोर्ट में मामला चल रहा था कि वही पुलिस द्वारा छोटू सिंह रावणा को छोड़ दिया गया, और इससे पहले कई अपहरण मामले दर्ज हो चुके हैं जिनके अंदर उम्र कैद की सजा भी भुगत रहे थे, लेकिन छोटू सिंह ने मेडिकल और सबूत सही किए थे। हालांकि बयान भी सही साबित होने के बाद भी छोटू सिंह का जमानत दी गई है, जिससे क्षत्रिय समाज में रोष भी है और दूसरा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हमने तो सुना था कि कानून अंधा होता है, लेकिन आज देख भी लिया जोधपुर में। दोस्तों, इसी तरह की राजनीतिक न्यूज पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।